आपको बहुत बहुत नमस्कार। जो जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं सबको, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये दो टॉपिक मुझे दिए गए हैं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल मैं किए देता हूँ। पहले टॉपिक ये लेते हैं कि आजकल लोग सिविल प्रैक्टिस से, जो नई जनरेशन के वकील आते हैं, तो ये सिविल प्रैक्टिस से क्यों अपने आप को विरत कर रहे हैं, उससे अपने आप को दूर क्यों कर रहे हैं। पहले पहले ये टॉपिक लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ये। उसके पीछे देखिए कारण ये है, मैं ऐसा मानता हूं और बहुत सारे लोग हो सकता है मानते हैं मेरी बात से सहमत, कि आपको यदि क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है तो आपको आईपीसी का ज्ञान होना चाहिए, सीआरपीसी का ज्ञान होना चाहिए, एविडेंस एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। यदि इन तीन एक्ट का ज्ञान है तो आप फिर सिविल प्रैक्टिस मतलब क्रिमिनल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हीं तीन एक्ट में है। इसीलिए क्रिमिनल मेजर एक्ट वकील लोग रखते हैं, इनमें तीन जो प्रमुख एक्ट है उसी को पढ़ दीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जितने कानून है वो सब सिविल लॉज में आते हैं और उसकी बहुत बड़ी संख्या है, तो इसलिए पढ़ते पढ़ते सब दिमाग खराब हो जाता है, सबको याद रखना, सब कुछ करना, तो ये मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक बात ये बताता, यदि आपको क्रिमिनल की प्रैक्टिस भी करनी है तो आप सिविल की वकालत कीजिए, क्योंकि एक जो सिविल का वकील है वो अच्छा क्रिमिनल लायर हो सकता है, लेकिन अच्छा एक जो क्रिमिनल का वकील है वो सिविल लायर होने में उसको मुश्किल आएगी, क्योंकि देखिए सिविल में जो बात है वो क्रिमिनल में नहीं हो सकती है। सिविल में प्लीडिंग होती है, उसमें डिफेंस भी होता है, उसमें इश्यूज भी होते हैं, सब कुछ होता है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ भी होता है, सब कुछ होता है। इसलिए सिविल की वकालत यदि किसी को अच्छी आती है तो वो फिर क्रिमिनल का अच्छा प्रैक्टिशनर हो ही सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसलिए मेरा सबको सबसे आग्रह है, सबको कहना है कि सिविल की वकालत कीजिए। सिविल की आपकी यदि आपको उसमें सिविल में महारत हासिल हो जाएगी तो आप अच्छे क्रिमिनल वकील हो ही जाएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फिर मामूली बात नहीं है, फिर तो ये हो जाएंगे आप, ऐसा होगा ये। तो इसलिए आप सिविल की वकालत कीजिए, पहला मेरा आग्रह तो ये है। दूसरी बात क्या है कि आपने लॉ की पढ़ाई किया, इतना सब ज्ञान अर्जित किया, सब कुछ किया, तो वो इसलिए अर्जित किया कि हिंदुस्तान में जितने कानून हैं या देश दुनिया में जितने भी कानून हैं उन सबका अध्ययन करें, उनका सबका आपको ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान को आप प्रदर्शित करें, अदालत में जाए कुछ करें। ये तो जब आप सिविल प्रैक्टिशनर होंगे तभी ना करेंगे, तभी होगा, ये क्रिमिनल प्रैक्टिशनर से की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर हाई कोर्ट के जज जो वकील वकालत जो करते हैं उसमें हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट किए जाते हैं तो वही हाई कोर्ट के जज बनाए जाते हैं जो अच्छे सिविल प्रैक्टिशनर होते हैं, जिनको सिविल कानून का अच्छा ज्ञान होता है उनको ही हाई कोर्ट जज बनने का मौका मिलता है। जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं तो उनको जल्दी ये मौका नहीं मिल पाता है, ये इसलिए कि ऐसा मान के चला जाता है कि जिसको सिविल का ज्ञान है तो उसको तो सब आएगा, उसमें क्रिमिनल तो उसके लिए कुछ भी मामूली बात है, कुछ नहीं। तो इसलिए मित्रों मेरा ये आग्रह है कि आपको सिविल की वकालत करनी चाहिए और उसी में आपका जो ज्ञान है, आपका जो बुद्धि है, आपकी जो विवेक है वो टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग वही है, क्रिमिनल प्रैक्टिस में टेस्टिंग नहीं है, सिविल प्रैक्टिस में ही टेस्टिंग। जैसा मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक अच्छा सिविल का वकील, एक अच्छा क्रिमिनल का वकील उसको होने में कुछ भी नहीं है, बड़ी मामूली चीज है ये, मेरा ऐसा मानना है। मैं पंडित रामायण प्रसाद जी का उदाहरण देता हूँ, वो रीवा के थे, रामायण प्रसाद पांडे जी, बड़े अच्छे वकील थे और वो एक क्रिमिनल केस में सीटी में आए, एक बड़ा फेमस सेशन केस था वो, उसमें वो आए और सब ये कहा जाता था कि भाई ऐसा एक जो सिविल के वकील हैं तो ये क्रिमिनल के में आए हैं, लेकिन सबने लोहा माना, जज ने कहा, अब जो हम लोग सुन रहे थे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन सुन रहे थे, सब ने ये तारीफ किया कि हाँ नहीं ये है, क्योंकि उनको उनको वो कला आती है ना, वो प्लीडिंग जानते हैं, वो डिफेंस जानते हैं, वो कौन सा इशू कौन सा है क्या इसको जानते हैं, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन की क्या ट्रिक होनी चाहिए ये सब जानते हैं,
यही तो सब क्रिमिनल में है, तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन तो पहला सबसे पहले यही है कि सब लोग सबसे पहले सिविल सिविल का अध्ययन कीजिए। और सिविल का आप अध्ययन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे विडंबना ये है कि सिविल के केसेज ही कम होते चले जा रहे हैं। एक मैं ये भी इशू को मुझे लगता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए, दीवानी मुकदमे कम होते चले जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि दीवानी मामले बड़े लंबे खींच जाती हैं, बहुत लंबे खींच जाते हैं, और लंबे खींच जाते हैं, उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता है। किसी तरह से आप डिक्री लेंगे, आपको डिक्री मिल भी गई, आपके पक्ष में कोई एक फैसला हो गया, तो उसका एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल है। एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। एग्जीक्यूशन का जो वो पार्ट है बड़ा कमजोर है, तो इसलिए वो एक ये इश्यू है। तो लोग उसमें जाना नहीं चाहते, भाई वहां हम गए और फंस गए, तो ऐसी बात ये हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इस इशू को भी टैकल किया जाना चाहिए। कई बार इसमें बातें हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक मैंने लेख भी लिखा, उसमें मैंने कहा कि जब तक एग्जीक्यूशन को, डिक्री के एग्जीक्यूशन को जब तक पैनल नहीं बनाया जाएगा, मतलब ये कि जैसे यदि किसी ने डिक्री के का वो उसका पालन नहीं किया, एक सिविल कोर्ट के द्वारा दी गई, तो उसका उसको एक जेल में बंद किया जाए, कुछ किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और ये सारा अधिकार कोर्ट को, पुलिस को दे दिया जाए, तो सब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, सरकार ये कर नहीं रही है। खैर, ये तो हम लोगों के वश की बात है नहीं, अब हो रहा है ये। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा समय ले रहा हूँ। हो ये हो रहा है कि सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इसमें सब शामिल हैं, सरकार चाह रही है, और पता नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो अदालतें हैं वो भी चाह रही हैं कि सिविल का जुरिस्डिक्शन कम हो। आप देख लीजिए, आप यही एक देख लीजिए कि एक आप जिसमें मोटर वकील एक्ट का है, ये तो सिविल का ही केस है। आप देखिए, कुल मिलाकर के तो दीवानी ही तो मामला है ये, लेकिन उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया गया। बैंक के पहले केसेस, मैं बैंक का वकील था, बैंक के सारे केसेस पहले सिविल सूट के रूप में आते थे, लेकिन वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DIT बना, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अलग बना दिया गया, वो सब उस तरह से हो गया। अब आप देख लीजिए, चेक बाउंस के मामले पहले तो सिविल में ही आते थे, उसके लिए 138 एक अलग बना दिया गया, सब कुछ ये कर दिया गया। तो बहुत सारी जो है तो वो जुरिस्डिक्शन धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। और पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे, इनके मामले भी रेगुलर सिविल सूट के रूप में ही आते थे, लेकिन उसके लिए फिर सरकारी कर्मचारियों का दोबारा बड़ा दबाव रहता है, तो उनके लिए वो सेट बना दिया गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन गया, या कुल उसको रद्द कर दिया गया, अभी यहाँ मध्य प्रदेश में तो उसको कर दिया, लेकिन सेंट्रल कैट अभी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और वो अपना जो सेंट्रल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका वो सब काम कर रहे हैं, तो वो जुरिस्डिक्शन भी चला गया। ये तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन धीरे धीरे कम किया जा रहा है। असैट वाले जितने मामले थे सब हाई कोर्ट में चले गए, और सब ये है। लेकिन अब जैसा भी है तो उसमें है, हम लोगों को उसको जितना भी है अभी बचा हुआ है तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। और वो तभी ये संभव है जब हम अच्छी अच्छे दावे दायर करेंगे, अच्छे हम जवाब दावे प्रस्तुत करेंगे, अच्छे मामले प्रस्तुत करेंगे अदालत के सामने, अब फिर अदालत वो हम मजबूर हो जाएगी हमारे पक्ष में फैसला देने के लिए। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई हम एक दावा दायर करते हैं, या हम मान लीजिए कि एक इस्तगासा दायर करते हैं, एक सब कुछ ये करते हैं, तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है तो अदालत के हाथ में। हम कितनी भी अच्छी प्लीडिंग के साथ हम आए, कितनी भी अच्छी हमारी एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो अब उसमें क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं रिपीट करूंगा, एक बार यही बात मैंने कही कि रामायण के साथ मैंने कहा कि वकालत का पेशा जो देखा है ये कि एवरीथिंग इज विद इन द डोमेन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। भाई जो जज बैठा है तो उसके हाथ में सब कुछ, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम तो बिनती भाव के अलावा है क्या यहाँ। तो कहा कि ये कहना तुम्हारा सही है,
but with superior knowledge, you can dominate the judge. With superior, of course, with superior. If you have the superior knowledge, यदि आपके पास ज्यादा अच्छा अच्छी क्षमता है तो आप जज को अपने फेवर में ला सकते हैं, कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जज वो कोई किसी बात को समझता नहीं है, जो जज बैठा हुआ है क्वालिफाइड ही नो सला, ऐसा ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उसको ये बताना पड़ेगा कि नहीं आप ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कानून ऐसा कहेगा। आइए हम तब कह सकते हैं जब हमको कानून का अच्छा ज्ञान होगा। यदि हमारा ज्ञान कमजोर होगा तो जज हमारे ऊपर हमको डोमिनेट करेगा। तो इसलिए विथ सुपीरियर नॉलेज ओनली हम जज को, ये जुडिशियल अफसर को हम डोमिनेट कर सकते हैं और अपने पक्ष में कुछ भी बात ले आ सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो हम क्लाइंट से हमने फीस लिया है, अल्टीमेटली तो इसी के लिए है ये। तो इसलिए मित्रों हमको सिविल की वकालत करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमको अच्छा क्रिमिनल वकील बनना है। सिविल की यदि हमको ज्ञान रहेगा तो हम अच्छे क्रिमिनल वकील बन सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। और मेरा ख्याल है कि हमारे सुखेंद्र द्विवेदी जी सहमत होंगे, वो भी अच्छे ज्ञाता है।